प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जैमसी की इस वचन में दी गई शिक्षा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जो अपने दास की अगुवाई की है, निश्चय आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार के दुख, मुश्किल, मुसीबतें हैं, तो इस वचन को जब आप विश्वास से सुनोगे तो वो आपको छोड़कर चली जाएंगी। और लास्ट में जो खुदा के दास ने जो प्रेयर की है उसको विश्वास से रिसीव करना। मेरा विश्वास है कि इस वचन और इस प्रार्थना को जब आप रिसीव करोगे तो आप परमेश्वर की बड़ी महिमा और बड़े छुटकारे को देखोगे। आमीन। सुनो सारे ध्यान से, परमेश्वर ने अपना वचन इस दुनिया में क्यों दिया? बोलो। परमेश्वर ने जो अपना वचन है इस दुनिया में क्यों दिया है? बोलो क्या है? परमेश्वर ने जो अपना वचन है इस दुनिया में क्यों दिया है? उसने अपना वचन इसलिए दिया ताकि इंसान भटके ना, वो समझे कि परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, वो उसमें बना रहे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने एक जगह पे 2 तिमोथियुस 3:16 में लिखा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये पूरा वचन है ना, लिखा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पंजाबी में लिखा सारी लिखत परमेश्वर दे आत्मा तो, उसकी प्रेरणा से रचा गया, मतलब ये वचन परमेश्वर की सांस है। ब्रीथ मतलब सांस, जैसे हम में सांस है तो हम जीवित है ना, हम चलते फिरते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा प्रेरणा से रचा गया, मतलब मेरी सांस से ये रचा गया है। समझ आ रही है? लिखा उपदेश समझाना और सुधारना धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। क्या बोलो? धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और मसीह की दे उन्नति पाए। क्योंकि हम किसकी दे हैं? हम सब एक एक करके किसके अंग हैं? एक अंग तो स्ट्रांग है पर दूसरा अंग क्या है, कमजोर है। हाँ, एक अंग तो पूरी तरह से सुशास में बना हुआ है, सब उसकी बातों को आज्ञाओं को मान रहा है, पर दूसरा अंग क्या है, कमजोर है। बोलो क्या दूसरा अंग? दूसरा अंग कमजोर है। हाँ, समझ आ रही है? तो समझ आ रही है? तो हम सब मिलकर क्या है, एक मसीह के क्या है, अंग है, अंग। जैसे कान भी एक देह का क्या है, अंग है। आंख भी क्या है, अंग है। मुंह भी क्या है, हाथ भी क्या है, पांव भी क्या है, ये सारे देह के क्या है, अंग है। उसी तरह से हम भी मसीह के क्या है, अंग है। एक एक करके सारे हम मसीह के अंग है। समझ आ रही है? तो परमेश्वर चाहता है कि सब लोग सिद्ध बने, क्या बने, और मसीह की दे उन्नति पाए। क्या पाए? मसीह की दे उन्नति पाए। तो आज हम कैसे उन्नति पाएंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे खुदावंद से उन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी आशीषों को ले सकते हैं, कैसे अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, आज हम इस बात को समझेंगे अच्छे से। और हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे। तो 12:1 पढ़ेंगे,
तो यहां पे इस प्रकार लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। और शांस के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के संगासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने आप अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम नाश होकर सांस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, तुम उस उपदेश को जो तो पुत्रों के समान दिया जाता भूल गए हो। आमीन। मैंने क्यों कहा कि परमेश्वर ने इस दुनिया में अपना वचन क्यों दिया है? क्यों परमेश्वर ने कहा मेरी जो प्रजा है, मेरे जो लोग हैं, मेरी बनाई हुई जो दुनिया है, किसके कारण नाश हो रही है? किसके कारण नाश हो रही है? कहीं पर नहीं लिखा, कहीं पर नहीं लिखा कि शैतान क्या कर रहा है। परमेश्वर ने कहा जो मेरे लोग हैं, मेरी बनाई हुई जो दुनिया है, उनके पास मेरा ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने इस दुनिया में अपना वचन दिया। क्या दिया बोलो? क्योंकि ये वचन परमेश्वर की सांस से रचा गया है, उपदेश समझाना और सुधारना है। इसमें तीन चीजें हैं। बोलो क्या है? कितनी चीजें जी? उपदेश समझाना और सुधारना। लिखा धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो ये तीन चीजें हैं ना। उपदेश क्या है? उपदेश यह है कि कौन इस दुनिया के दुखों और पापों और श्रापों के लिए कौन मारा गया, ये उपदेश है, ये गॉस्पल है कि कौन मारा गया, है ना। तो ये उपदेश है, हम सबको उपदेश करते हैं, पूरी दुनिया वाले लोगों को हम उपदेश करते हैं कि कौन इस दुनिया के पाप के लिए, जो लोग मुसीबतों में, दुखों में, हालातों में, नशों में हैं, बोलो क्या है, बहुत सी पाप की गंदगी का जीवन लोग जी रहे हैं। मैं आज सुन रहा था कि कम से कम एक 45-50 साल की औरत, जो लोग अमीर हैं तो उनके पहरावे ढंग भी कैसे होते हैं ना, कपड़े कुपड़े वो कैपरी कुपरी टी शर्ट पहनती है, बोलो क्या है, तो उसके बच्चे बाहर हैं, बोलो क्या, उसके बच्चे बाहर हैं, तो वो किसी और मर्द के साथ क्या है, समझ आ रही है? तो मैं सुन रहा था, तो मैं सोच रहा था, खुद वो गाड़ी पे आती है, उसके पास खुद की गाड़ी है, और वो सारा कुछ उसके पति ने जो मेहनत की है ना, पति ने मेहनत की है, तो उसकी उसके पैसे पर क्या कर रही है, वो ऐश कर रही है, उसके पैसे पर क्या कर रही है, वो ऐश कर रही है। तो जब मुझे पता चला कि देख उसका पति उसको कितनी ऐश दे रहा है, जो पति उसका उसको इतना सुख दे रहा है, फिर भी उसके साथ ये क्या कर रही है, धोखा कर रही है। क्या कर रही है ये औरत? धोखा कर रही है ना, जिसने उसको इतना सुख दिया उसके साथ फिर भी ये क्या कर रही है, धोखा कर रही है। तो मैं सोच के बड़ा हैरान था कि ये संसार की दुनिया कैसी है ना। इसलिए परमेश्वर की चाहत है कि सब बचाए जाएं। क्या जाएं बोलो? सब बचाए जाएं और सत्य को जान ले। सब बचाए जाएं और सत्य को जान ले। समझ आ रही है? कौन चाहता है? कौन चाहता है?
वो परमेश्वर चाहता है सब बचाए जाए, है ना। तो जो लोग बचाए गए जैसे हम यहां पे बैठे हैं, एक तो संसार के लोग हैं हाँ जो नहीं जानते, एक वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, कबूल कर लिया, उसे मुक्तिदाता मान लिया है, एक वो लोग जो आप यहां पे बैठे हो। तो जो लोग बैठे हैं उनको परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जबकि ऐसा बड़ा बादल है ना, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े, और जिसमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। ये गवाहों का बादल क्या है, अगर आप इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ोगे ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको घर जाकर पढ़ना, इब्रानियों 11 अध्याय। तो यहां पे बहुत से नाम है, जब इब्रानियों आप 11 अध्याय पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे लोगों का नाम है जिन्होंने किस पर विश्वास किया, किस पर भरोसा रखा, किस पर धीरज रखा, समझ आ रही ना। तो ये सब यहां पे तो कुछ नाम लिखे गए हैं ना, तो वहां पे ऐसे इब्रानियों 11 अध्याय में ये नाम लिखे गए। तो जितने भी बाइबल शुरू से लेकर, उत्पत्ति से लेकर, आदम से लेकर, है ना, हाबल कैन की स्टोरी से, अब्राहम इसहाक जकूब से, आगे 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 जितने भी भविष्यवक्ता, जितने भी नबी हुए, जितने राजा हुए, हाँ आगे यीशु मसीह उसके चेले, जितनों ने भी किसका विश्वास किया, किस पर भरोसा रखा, किस पर विश्वास करके वो धीरज धरकर एक बड़ा पद को, एक बड़े उस फल को प्राप्त किया, जैसे यूसुफ ने, बोलो क्या है, जैसे यूसुफ ने ना, जब परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा किया, तो एक समय शैतान ने यूसुफ को पाप में गिराना चाहा, पर यूसुफ अपनी पवित्रता में खड़ा रहा, इस कारण उसे जेल में जाना पड़ा, वहां पे भी वो किसके साथ धीरज धरकर बैठा रहा, किसके साथ अच्छे मन से बना रहा, और फिर से परमेश्वर ने उसे वो जेल से निकाला और मिस्र देश का क्या बना दिया, राजा बना दिया। उसी तरह से परमेश्वर आज भी अपने लोगों को ऊंचा करना चाहता, ब्लेस करना चाहता, हर दुख से, हर मुसीबत से छुड़ाना चाहता है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये एक बड़ा बादल जो गवाहों का हमें घेरे हुए, ये वो लोगों के नाम ऐसे पूरी बाइबल में जिन्होंने किस पर भरोसा रखा, जैसे अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा अपना देश और अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और जहां पे मैं कहता हूं वहां पे चला जा। आज आपको परमेश्वर कुछ कहे ऐसा करने के लिए, हाँ कर पाएंगे हम, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार हम अपने लिए जीते हैं। बाइबल कहती है अपने लिए नहीं किसके लिए जियो, किसके लिए जियो। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना देश, अपना कुटुंब, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और कहां पे चला जा, कहां पे चला जा, जहां पे मैं तुझे कहता हूं। तो हम देखते हैं अब्राहम ने कैसा विश्वास किया, कैसे वो परमेश्वर के साथ वफादारी से चला, कैसे उसने जीवन भर परमेश्वर की आज्ञाकारी की, कैसे वो दीन बना, कैसे वो परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहा। इसलिए अब्राहम के नाम को परमेश्वर ने बड़ा नाम बनाया। उसका नाम पहले अब्राम था, क्या था पहला नाम उसका, अब्राम था। बाद में परमेश्वर ने उसे कहा तेरा नाम आज से क्या होगा, अब्राहम, मैं तुझे वंश दूंगा और तू समूह जातियों का, समूह जातियां का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, सब जातियों का क्या हो जाएगा। और उसने कहा सब जातियां तेरे नाम से ऐसे आशीष पाएंगी, ऐसा बड़ा नाम दे दिया, क्या दे दिया अब्राहम को। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को बड़ा नाम देना चाहता है, पर कैसे मिलेगा,
वैसे मिलेगा जैसे यहां पे लिखा, जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। तो ये सब लोग जैसे अब्राहम, इसहाक, जकूब, यूसुफ, शमूएल जी, जितने भी नबी, उन्होंने कैसे विश्वास किया, है ना। दाऊद राजा कैसे अपने दुखों में भी बना रहा, कैसे परमेश्वर के साथ चलता रहा। उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, अपना तरीका नहीं लगाया ना, इसलिए दाऊद राजा इतना सफल राजा बना। क्या बना बोलो? इतना सफल राजा बना क्योंकि कई बार क्या होता है कि विश्वासियों को पता नहीं होता जब वो विश्वास करते हैं क्या करना है। बोलो क्या उन्हें पता नहीं है कि दुख में क्या करना है? बोलो दुख में क्या करना है उन्हें पता नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी, वचन अंदर नहीं जाएगा, हमारा विश्वास उन चीजों के लिए बनेगा नहीं, तो हम ज्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। समझ आ रही है? तो जब हम उन लोगों को देखते हैं जैसे दानियल को देखते हैं, बोलो क्या है, दानियल के जीवन को देखते हैं ना हम, दानियल कैसे परमेश्वर के साथ बना रहा। तो जब हम ये सारे गवाह हैं, तो हम जब उनके जीवन के बारे पढ़ते हैं, सुनते हैं, हाँ बोलो क्या है, जैसे एस्तर के जीवन के बारे पढ़ते हैं, हम रूत के जीवन के बारे पढ़ते हैं, रहाब वेश्या के जीवन के बारे पढ़ते हैं, उसने एक ही कर्म किया तो परमेश्वर ने उसे अपनी ब्लड लाइन में जोड़ लिया। समझ आ रही है? तो जितनों ने भी जैसा जैसा विश्वास किया और खुदा के साथ बने रहे, क्या रहे बोलो, बने रहे ना, धीरज धर के बने रहे। इसलिए परमेश्वर हमें भी कहता, अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तुम ताकते रहो। क्या रहो? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लिखा लाज की कुछ चिंता करके उसने क्रूस का दुख भी सहा। उसने उस आनंद को देखा जो उस दुख के बाद क्या था, उसे मिलने वाला था। इसलिए लिखा जो क्रूस का दुख था ना, उसने लाज के, कैसे लिखा, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, क्योंकि उसने उस आनंद को देखा जो उस दुख के बाद उसे क्या था। तो यीशु मसीह जानते थे कि जो दुख में सहने वाला हूं, बोलो क्या, जो दुख में, जो मैं दुख सहने वाला हूं वो बहुत क्या है, कठिन है, औखा है, बोलो क्या है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब पकड़वाए गया, तो पकड़वाए जाने से पहले उसने सारी रात पहाड़ पर क्या की थी, प्रार्थना की थी। क्या की थी? ताकि मैं किसकी इच्छा को पूरा कर सकूं। इसलिए कई बार जब दुख आता तो हम खड़े नहीं रह पाते। इसलिए यीशु मसीह जानते थे कि ये जो दुख है बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थी, क्योंकि वो जो कुछ भी अपनी देह पर, शरीर पर उसने सहना था, बड़ा कठिन था, बड़ा औखा था। इसलिए उसने सारी रात प्रार्थना की कि मैं उस दुख को, उस हालात को, उस मुसीबत को, उसमें खड़ा रह सकूं, किसकी मर्जी को पूरा कर सकूं। इसलिए उसने सारी रात प्रार्थना की। क्या कहा यीशु मसीह ने? कि हो सके पिता तेरी इच्छा हो सके तो ये मौत का प्याला टल जाए, पर तेरी इच्छा क्या हो, पूरी हो सके तो ये मौत का प्याला बिना पिए, मतलब मैं ना इसे पीऊं, क्योंकि वो मौत का प्याला कहा था जो यीशु मसीह उस पाप के लिए, उस दुख को उसने उठाना था क्रूस पर, जो उसने दुख सारी मुसीबतों को सहना था। तो उसने कहा हो सके तो ये बिना पिए टल जाए, पर फिर भी क्या हो। इसलिए कहा विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते, जिसने उस आनंद जो उसके रखा था, उसने लाज की कुछ चिंता करके क्रूस का दुख सहा। उसने उस आनंद को देखा, उसको दुख, उस दुख को नहीं देखा, क्योंकि उस दुख के बाद वो आनंद, वो खुशियां मिलने वाली थी। उसी तरह से आज, उसी तरह से सेम, हर दुखों के बाद एक बड़ी महिमा आपको, आपके जीवन के पीछे प्रकट होने वाली है। मैंने कहा हर दुख के बाद
जो भी आज आपके सामने, जब उसको आप निकल जाओगे तो बड़ी महिमा प्रकट होने वाली। इसलिए उसने कहा उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। तुम निराश होकर कहता साहस ना छोड़ दो, साहस मतलब हौसला ना छोड़ दो। कहता पाप से लड़ते हो, तुम्हारा लहू तो नहीं बहा। यीशु मसीह को तो अपना लहू भी बहाना पड़ा, बताएंगे नहीं बता। हाँ ठीक है, हम हमारे शरीर में तकलीफ है, घर में प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, काम काज की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, समझ आ रही है? तो हमारी तो शरीर की प्रॉब्लम है। कहता पाप से लड़ते हो, तुम्हारा लहू तो नहीं बहा। यीशु मसीह को तो अपना लहू भी बहाना पड़ा। कहता तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो, हौसला ना छोड़ दो, क्योंकि पाप से लड़ते हो, तुमने ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा। ऐसा तो नहीं ना हुआ हमारे साथ। इसलिए अगर आप जकूब की पत्री पढ़ते हो, उसका एक अध्याय, वहां पे क्या लिखा, एक की दो से पढ़ेंगे। कहता हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे क्या समझो, इसे आनंद की बात समझो। वैसे तो परमेश्वर हमारी कोई परीक्षा नहीं लेता, क्या नहीं लेता बोलो, क्योंकि लिखा हर एक जन, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर, वो अभिलाषा में पढ़कर परीक्षा में पढ़ता है। परमेश्वर तो ना बुरी बातों की ना वो किसी की यहां परीक्षा करता है, पर लिखा प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर वो हालातों में पढ़ता है। फिर भी लिखा जब वो उसमें बना रहता है, खड़ा रहता है, तो क्या पाता है फिर से, है ना? इसी लिखा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, जी जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, तुम में किसी बात की कोई घटी हो ही ना। तो विश्वास को क्या करो, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से लिखा धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को क्या करने दो, अपना काम पूरा करने दो कि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी भी बात की घटी ना हो। समझ आ रही है सबको? तो विश्वास को, धीरज को लिखा अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम संपूर्ण और क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। तो विश्वास को बोलो क्या है, क्या करने दो बोलो, धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, क्या हो जाओ बोलो। तो धीरज रखना है उस विश्वास में, अपने में क्या रखना है, तुमने धीरज रखना है, धीरज, ताकि तुम सिद्ध, जैसे अब्राहम ने 24 साल क्या किए, हाँ, पर अब्राहम तो दीन बनकर बना था, पर फिर भी परमेश्वर ने 24 साल बाद दर्शन देकर कहा था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। आपको पता, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कि मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में इस बात को जरूर रखता हूं, मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में इस बात को जरूर रखता हूं कि परमेश्वर मुझे परख, देख मुझ में कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई पाप, कोई बुराई, कोई ऐसी कोई आज्ञा या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं नहीं मान रहा। तो परमेश्वर मुझे देख, क्या देख, मैं अपने समय को खराब नहीं करना चाहता, क्या नहीं करना चाहता, मैं अपने समय को खराब नहीं करना चाहता। तो परमेश्वर मुझे परख, मुझे देख, मैं तेरे दास अब्राहम के साथ जैसे जैसे इजरायलियों ने अपने 40 साल खराब किए, मैं रोज रोज परमेश्वर की इच्छा को मालूम करता हूं, जैसे वचन में लिखा ना, उसकी इच्छा को क्या करते रहो, मालूम मतलब पता लगाओ वो क्या चाहता है।
तो रोज रोज पता लगाओ, किसकी इच्छा का पता लगाओ, वो क्या चाहता है। तो इसलिए मैं अपने आप को परखता हूं और परमेश्वर की इच्छा को मालूम करता हूं और फिर धीरज धरता हूं। क्या धरता हूं? धीरज धरता हूं। अगर हम इसका तीन पढ़ो, नहीं सॉरी पांच, तो पांच की सात में देखो कैसे लिखा, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरे रहो। देखो किसान भी पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता होगा, प्रथम और अंतम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो और प्रभु के, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्या बोलो? प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हाकम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों जिन भविष्यताओं ने प्रभु के नाम से बातें की है उनके दुख, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो हम धीरज धरने वालों को धन कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिपल हुआ उसे भी जान लिया है, जिसमें प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। कैसे लिखा है? कहता हे भाइयों जिन भविष्यक्तों ने प्रभु के नाम से बातें की उनके दुख उठाने और धीरज धरने का एक उन्हें आदर्श समझो। जैसे वहां पे भी हमने इब्रानियों 12 में भी क्या लिखा, जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए, तो हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करें और कैसे दौड़ दौड़ें धीरज से। समझ आ रही है? कहता देखो तुमने अय्यूब के धीरज को देखा। हम सब जानते हैं ना अय्यूब के जीवन के बारे, जब उसका सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब का क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। ना तो अय्यूब ने किसी बात को लेकर परमेश्वर पर दोष लगाया, जबकि उसकी पत्नी ने क्या कहा था, अय्यूब की पत्नी ने क्या कहा था, जब वो एक, जब उसके शरीर पर कोड़ आ गया तो एक ठीकरा लेके खुल जलाने को बैठ गया। जब उसकी पत्नी आई तो उसने कहा, क्या कहा था, कितनों को पता है, किसी को पता क्या कहा था, क्या कहा था? हाँ ऊंचा बोलो। हाँ अपने गुरु को क्या कर दे, फिटकार दे। यहां पे जो बच्ची हैं थोड़ा माइक वोइक लेके थोड़ा रिया करो जब भी कोई ऐसी बात होती है। तो समझ आ रही है? तो अय्यूब की पत्नी ने आकर कहा, अगर तेरा परमेश्वर हैगा तो तुझे चंगा, तेनु चंगा ना करे, ठीक ना करे। जा उन्हें क्या है, नहीं परमेश्वर परमेश्वर अपने मुंह तो दी की कर, निंदा कर, अगर होवे तो वेख तेरा हालात की है, देख तू मस्किनी मुसीबत, अगर होए तो तेनू ठीक ठीक ना करे। तो अय्यूब ने क्या कहा, तू एक मूड एक झल्ली औरतां दे वांगू की कर दी है, गल्ला कर दी है। अय्यूब ने कहा जिस परमेश्वर से हम सुख लेने हैं, की होया जे थोड़ा दुख आ गया, एडे वे दुख नू थोड़ा जा दस रहा, थोड़ा जा, जबकि अय्यूब दे बच्चे मर गए, सारी संपत्ति पेड़ बकरियां ऊठ गधे सब कुछ खत्म हो। कहता जिस परमेश्वर तो असि सुख लेने हैं, की हो गया जे थोड़ा जा दुख आ, वो एडे वे दुख नू थोड़ा जा दस रहा। इतने छोटी छोटिया गल्लां होंदियां ते तुहानू क्यों पता, छोटी छोटी चीज तो क्या करते हैं, मन खराब कर।
कहते हैं जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं, क्यों गया जो थोड़ा दुख आ गया? कहते तो मोड़ ते चलियां औरतों का की कर, समझ आ रही है? इसलिए वचन कहता तुम अयूब के है ना, धीरज के विषय में तुमने सुना है, प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे तुम जानते भी हो। प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ ना, अगर वो बना रहा तो परमेश्वर ने कितना दिया, कितना दिया, कितना दिया खुदा ने उसे। जैसे मान लो आज है, जैसे कोई शासी है अपनी बुद्धि लगाकर इधर उधर भागता है, इधर उधर दौड़ता है, पता नहीं कल, जैसे हो सकता आप यहां पे बैठे हो, कल को आप में से पता नहीं कौन कहां पर हो, क्योंकि काम किसने करना है, किसने करना है। कलमी में मैं विजिट पे था तो लोगों को बता रहा था जहां पे मैं गया कल, मैं अपने जीवन की पर्सनल अपनी लाइफ के बारे बता रहा था कि जब मेरे जीवन के ऊपर भी क्या थे, बोलो क्या थे मेरे भी, तो कैसे मैं, मुझे किसी अगुए ने नहीं कहा, बस जो मैंने सुना था अगुए के मुंह से, जो मैंने सीखा था, मैं उन बातों में बना था, उस विश्वास में, उन चीजों में बना था जो मैंने अगुए के मुंह से सुना था। समझ आ रही है? जब मैं बना रहा उस बातों में, खड़ा रहा, क्या खुदा ने काम नहीं किया? उन मुसीबतों से निकाला नहीं? कितनी गवाहियां आपने मेरी सुनी, मेरे विश्वास की कितनी गवाहियां आपने सुनी है ना, सुनी है ना, क्योंकि मैं हर बात में धीरज धरता था। क्या धरता था बोलूं? मैं भी हर बात में धीरज धरता था, अपनी बुद्धि अपनी सोच नहीं, हर चीज के लिए किसके पास जाता था और विश्वास रखता था, नहीं परमेश्वर, हाँ उसके वादे क्या हैं, सच्चे हैं कि झूठे हैं। एक तो सिद्ध बनना और दूसरा धीरज धरना है। एक तो क्या बनना है बोलो, सिद्ध बनना, सिद्ध। इसलिए रोज अपने आप को खुदा के सामने लेकर जाओ कि परमेश्वर मुझे चेक कर, मुझे देख, क्या बोलो, मुझे देख मेरे परमेश्वर। क्योंकि जब ऐसे आप अपने जीवन को परखोगे, अपनी बातों को खुदा के सामने लेकर जाओगे, क्या लाओगे? देखो ये नहीं है कि तुम गरीब हो, शाऊल भी तो गरीब था पर परमेश्वर ने एक दिन उसे राजा बना दिया। दाऊद भी क्या था, एक भेड़ों और बकरियों चारने वाला, उसको क्यों राजा बना दिया, हाँ उसको क्यों राजा बना दिया? तो ये नहीं सोचना कि मैं गरीब हूं, तुमने ये देखना है कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थ्य और ताकतवर है, वो क्या कर सकता है। ये नहीं तुमने देखना मैं अनपढ़ हूं, मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं, मुझे तो कोई समझ नहीं है। बस आपने परमेश्वर की नजर में सिद्ध बनना है। क्या बनना? परमेश्वर की नजर में सिद्ध बनना, उसकी पहचान में बढ़ना है परमेश्वर की। समझ आ रही है? वो सच्चा परमेश्वर है। आपको पता, जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, सुनी ना ये गवाही, 3 महीने का बेबी था, मिस कैरिज हो गया। क्या हो गया बोलो? मिस कैरिज हो गया। तो नर्स ने जब रिपोर्ट देखी तो उसने ऐसे सॉरी करके कहा कि बेबी डेड है, आज 3 दिन हो गए हैं। तो इमीजेंटली अबॉर्शन करना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन हो गए हैं, इनकी जान को भी क्या है, क्योंकि यहर बन जाता है ना ऐसे। तो आपने पता मैंने कैसे धीरज रखा था, कितने दिन रखा था, मैंने किसी को नहीं, बस अपनी मिसेज को रिपोर्ट भी पार दी, जितने पैसे चाहिए थे अबॉर्शन के लिए, मैं जब उस दिन संडे था, मैंने सारे अबॉर्शन के पैसे दान में आकर डाल दिए। किसमें आकर डाल दिए? दान में आकर डाल दिए और धीरज रखा। बोलो क्या है? 3 दिन वो हो गए, 3रा दिन वो था, 2 दिन और धीरज रखा, 5वें दिन हालात आ गया, बहुत ब्लीडिंग हुई,
बोलो क्या है? तब मैं बिल्कुल नया था ना, मैं भी आपकी तरह एक विश्वासी था, मैं भी आपकी तरह क्या था, मैं भी एक विश्वासी था। तो धीरज तो रखा, पर जब प्रॉब्लम पांचवें दिन ज्यादा पूरी ब्लीडिंग ब्लीडिंग, जब मेरी पत्नी वॉशरूम गई तो पूरा ब्लीडिंग पीसेस, तो फिर हमने अपने परिवार के साथ बात की, पहले तो किसी को नहीं बताया। छठे दिन अबॉर्शन करवाना था, वो करवाया, पैसे नहीं थे, क्या नहीं थे बोलो, तो बस परमेश्वर पर धीरज रखा कि कौन करेगा इंतजाम। तो परमेश्वर ने उसका भी इंतजाम किया। मैंने एक बार भी अयूब की तरह कंप्लेंट नहीं की, शिकायत नहीं की, जैसे कुछ लोग बोलते सुनते नहीं तो ये वो। मैंने किसी अगुए को नहीं, किसी कोई को लेकर हो जी ऐसे जी वैसे, कोई कंप्लेंट नहीं, ना किसी अगुए को ना परमेश्वर को, कोई कंप्लेंट नहीं। बस मैं ये विश्वास कर रहा था, कुछ वचन थे मेरे मन में कि जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को पैदा करती। इसलिए वचन कहता, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हें उस अपने दुख में भी किसके साथ बना रहा, कोई कंप्लेंट नहीं, अबॉर्शन भी हो गया, इसलिए खुदावंद ने मुझे दो बेटों के साथ क्या कर दिया, ब्लेस कर दिया। इसी तरह से देखो, मैं अगर उस समय मन खराब करता, बोलो क्या करता, होना था कुछ, होना था बोलो, नहीं होना था, कुछ नहीं होना। अगर अय्यूब ऐसा करता, उसे वो सब कुछ दोबारा वो मिलना था, नहीं मिलना था। इसलिए ये बड़ा जरूरी, बोलो क्या ये बड़ा, ये देखो अगर आप अय्यूब की इसकी एक पढ़ो, एक की शे से यहां पे लिखा, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान जो हवा में बहती और उछलती है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में क्या है, चंचल है। कहता विश्वास से मांगो और कुछ संदेह, संदेह मतलब शक ना कर। जैसे इस मिनिस्ट्री की एक टीचिंग है, कितनों को बताया, ये बड़ी उत्तम चीज है जो खुदा ने अपनी आत्मा के प्रकाशन से इस बात को प्रकट किया है, पॉजिटिव प्रार्थना। मांगने के बाद अपने धीरज धरना है और रोम थैंक्स गिविंग का जो बलिदान है अपने होठों का, वो किसको चढ़ाना है, किसको चढ़ाना है, उस परमेश्वर को। तो जब आप मांगते हो तो रोज धन्यवाद करो, ये मिल चुका है। पर रॉन्ग चीज मत मांगना, गलत चीज मांगना। एक तो परमेश्वर की इच्छा को अनुभव करना, अपनी मर्जी मत करना, क्या ना करना, अपनी मर्जी। तो रॉन्ग चीज नहीं मांगना, जैसे मान लो मेरी कोई जरूरत है, मेरी जरूरत अगर मोटरसाइकिल है तो मैं गाड़ी मांग रहा हूं, अगर गाड़ी है तो मैं जहाज मांग रहा हूं, तो जितनी मेरी जरूरत है परमेश्वर जानता है। बोलो क्या, मेरी मेरी जरूरतों को वो जानता है, क्योंकि इच्छा के बाहर कभी कुछ अपनी बुद्धि से कुछ मत करना। समझ आ रही है? तो लिखा विश्वास से मांगना और संदेह, संदेह नहीं करना, शक नहीं करना, क्या नहीं करना, क्योंकि संदेह करने वाला किसके समान है, संदेह करने वाला किसके समान है, समुंदर की लहर के समान, लिखा जो हवा में उठती और फिर वहीं पे बैठ जाती है। कहता ऐसा मनुष्य जे ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुचित्ता मतलब दो मन वाला, दो मन वाला, परमेश्वर ने कहा मुझसे कुछ भी पा, जिसका मन
पता नहीं परमेश्वर पर किसी और पर भी है, इसलिए मैं कहता हूं कि एक मन रहो, एक चित्र। कि लोग डबल डबल मन बनाते हैं, बोलो बनाते हैं, तो डबल मन मत बनाओ। सांप परमेश्वर ने कहा तो कैसे लिखा, वह व्यक्ति जो चित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो परमेश्वर का ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझसे कुछ मिलेगा, बोलो क्या है, मुझसे कुछ। क्योंकि जो लोग दो मन बनाते हैं वो कभी नहीं कुछ पाते। इसीलिए कई बार क्यों नहीं काम होता, मैंने देखा कई लोगों के जीवन में क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका मन उस बात पे स्थिर नहीं है। क्योंकि काम किसने करना है, किसने करना है, आप किसका विश्वास करते हो। पौलुस ने एक जगह कहा, बोलो क्या, पौलुस ने एक जगह कहा, क्या अपुल्लोस तुम्हारे लिए मरा, पौलुस मरा, कैफा, पत्रस मरा, कौन तुम्हारे लिए मरा है, कौन तुम्हारे लिए मरा है, कौन तुम्हारे पापों के लिए मरा, कौन तुम्हें चंगा करता है, कौन तुम्हारे तुम्हें चंगा करता है ना। 12 साल की स्त्री ने एक भी दिन चर्च अटेंड नहीं की, 12 साल की स्त्री ने एक भी दिन चर्च अटेंड नहीं की, एक भी दिन। बस जब सुना कि यीशु क्या है, किसी ने बताया इसका कोई पल्ला भी छू ले तो क्या हो जाता, बस सुना ही था, जैसा सुना था, ऐसा नहीं कि उसके पल्लू के शुक्र ही अच्छा होना था, समझ रहे हैं, क्योंकि जैसा उसने सुना था, बोलो क्या था। जैसे मान लो आज कोई, मैं आपको कहूं इस्रम्बाल में क्या है, इस्रम्बाल में क्या है, किसकी पावर है, तो इस्रम्बाल को क्या करो, किसकी पावर है इसमें, तो ये रम्बाल नहीं, ये आपका फेथ है, ये आपका विश्वास है इसमें कि इसमें क्या है। क्योंकि मैं एक अगुआ हूं तो मैंने आपको बोल दिया इसमें इस रम्बाल में क्या है, आपका विश्वास काम कर रहा है कि हाँ इस रम्बाल में किसकी अनॉइंटिंग है, किसकी पावर है, किसकी अनॉइंटिंग है, किसकी पावर है, समझ आ रही। तो अपने उस विश्वास को, इस रम्बाल को विश्वास से टच किया, कैसे किया बोलो, विश्वास से टच किया। वहां पे रुमाल नहीं, आपका काम, आपका विश्वास ने काम किया। जैसे यहां पे इस भवन में जो पौधे रखे होते थे इन सीढ़ियों में, तो मैंने कहा इन पौधों को क्या करो, जो लोग बीमार हैं, जिन बहनों के बच्चे नहीं हैं, वो इस पत्ते वालों को छुओ, जो ये वाले छोटे वाले ये पौधे इनको छुओ, तो लोगों की धड़ाधड़ क्या बन रही, गवाहियां बन रही। पर वो राइट चीज नहीं, कि राइट चीज है, क्योंकि आपका विश्वास किस पर होना चाहिए, किसी चीजों पर कि किस पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, क्योंकि कौन मरा है, कौन मरा आपके लिए, कौन मरा आपके पापों के लिए। तो विश्वास किसका करना है, चीजों का कि यीशु मसीह का। तो राइट चीज है ना ये, तो तुम राइट चीज सीख रहे हो, पर राइट चीज में राइट विश्वास करना पड़ेगा, उसमें धीरज धरना पड़ेगा, अपनी बुद्धि अपनी सोच नहीं लगानी पड़ेगी। जब हम लगाते हैं तो फिर लिखा दुचित्ता व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता, दो मन वाला है, जिसका मन इधर भी है उधर भी है, पता नहीं किधर किधर है, कहता दो मन वाला मुझसे कुछ नहीं पा सकता, अपनी सब बातों में चंचल है। इसलिए अपने मन को स्थिर करो, परमेश्वर ने इसीलिए कहा सबसे अधिक धोखा देने वाला तुम्हारा मन है। इसीलिए कहा तुम्हारे जीवन की धारें किससे निकलती हैं, तुम्हारे मन से निकलती हैं, मन से जीवन जिया जाता है, उस मन से हम परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करते हैं। इसलिए मन को स्थिर करो, क्या करो बोलो, इस मन को स्थिर करो। जब मैं नशे करता था तो मेरी जेब में बड़े पैसे थे, जब मैं नशे करता तो मेरी जेब में
दोनों जगह पैसों से भरी रहती। जब नशे से छूटा, कारोबार गया, जेबें खाली होगी, उधार तो मिल गया, नशे से मुक्ति तो मिल गई, नशे से छुटकारा मिल गया, पर शैतान ने मेरे कारोबार अटैक कर दिया, तो इसलिए उस समय मेरे पास पैसे नहीं। शैतान मेरे मन में ऐसे ऐसे मेरे अंदर से आवाजें आती थी, ये ले, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ले तेरी जेब में 10 रुपए नहीं है, हाँ इस टाइम तू इसी बार में बैठा है, बियर ना बोतल लग गई, चिकन लग गई, देख ये अच्छी जिंदगी है कि वो है, ऐसे मेरे मन के अंदर से आवाजें आती थी। तब भी मैंने धीरज धरा, मैंने दुखों की ओर नहीं देखा, मैंने परमेश्वर की ओर लिखा ना, जैसे सिद्ध करने की वाली वाले ताकते रहो, तो मैंने उन दुखों को नहीं देखा, मैंने धीरज धरा, चित्ता मन नहीं बनाया अपना, एक मन बनाया किसके साथ, कितने मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि दो मन वाले नहीं पा सकते, समझ आ रही है। तो मैंने अपने मन को शांत कराया, मैं समझ गया था कि कौन मुझे मेरे मन के अंदर ऐसी बातें डाल रहा है, कौन मुझे कहता क्या आ जा उसी दुनिया में, आ जा फिर से। शैतान मुझे कहता देख उसमें कितनी खुशियां थी, देख आज तेरे पास जेब में ही नहीं, पर मैं बना रहा, धीरज धरा रहा। एक दिन आया, परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया, उससे भी कई गुना ज्यादा किया, आमीन हालेलुया। कितने लोग ब्लेस होना चाहते हैं, आशीष होना चाहते हैं। इसलिए दाऊद के जैसे अपने मन को शांत कराओ, चुप कराओ, क्योंकि हमारी आशा किससे, किससे हमारी आशा, एक क्वेश्चन को देखो, और रोम रोम की पत्री, रोम की पत्री में जाओ, उसका 5 अध्याय निकालो, इसकी 5:1 पढ़ेंगे। कहता जब हम विश्वास से धर्मी ठहरें तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखो, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह थे जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें, केवल यही नहीं वन कलेशों में भी घमंड करें, जे जान के कि कलेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरने निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है, समझ आ रही है। कहते जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अब पापी नहीं ना, क्योंकि परमेश्वर पापियों ने की किनकी सुनता है, देखा धर्मी दुहाई देते हैं और कौन सुनता है, क्योंकि हम पापी नहीं ना, क्योंकि पाप हमारे किसने क्षमा कर दिए, किसने अपने लहू से हमारे पाप क्षमा कर दिए। इसलिए कई बार हम जब खुदा के साथ चलते चलते कुछ गलतियां करते हैं, तो फिर से हम मन फिराव की क्या करते हैं, प्रेर करते हैं ना, तो परमेश्वर पापियों की नहीं धर्मियों की सुनता, पापियों को तो बचाने के लिए आया। कहते जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखें, अमेल रखें, क्योंकि जिसके द्वारा विश्वास के कारण हम उस अनुग्रह में जिनमें हम बने हमारी पहुंच भी हुई है। इसलिए परमेश्वर की आशा पर क्या करें, क्योंकि पहुंच होगी ना, क्या होगी, जैसे जैसे इजरायली क्या करते थे, इजरायलियों की परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बात नहीं थी, इजरायली परमेश्वर के पास सीधा जा नहीं जा सकते थे, कि जा सकते थे, परमेश्वर उनकी नहीं सुनता था, क्योंकि उस समय पाप था ना, समझ आ रही है। तो आज लिखा मसीह के द्वारा हमारी पहुंच हुई, इसलिए परमेश्वर की आशा पर क्या करें, घमंड करें, क्या करें बोलो, घमंड करें, जे जानकर कलेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, आशा से लज्जा, आशा से लज्जा, जब हम आशा रखते तो हम शर्मिंदे नहीं होने। इसलिए दाऊद कहता
मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। कैसे सुन ली उसने? क्योंकि उस मन से वो गया। कहता है जितनों ने उसकी ओर ताका उनके मुख उजले हो गए और उनके मुंह कभी काले, किनके मुंह काले नहीं होने थे। अब क्लेम कर सकते हो वचन से। मैं भी आज किसी बात को लेकर परमेश्वर से क्लेम कर रहा था आज सुबह की प्रार्थना में। क्या कर रहा था? बोलो वचन को लेकर मैं क्लेम कर रहा था कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू शर्मिंदे नहीं होने देगा। तो मैं क्लेम कर रहा था क्लेम। कितने मेरी बात समझ रहे? आशा से कहता लज्जा, मतलब शर्मिंदे नहीं, मुंह काले। जब हम आशा रखते हैं, कहता कलेशों में भी क्या करो? धीरज रखो। क्योंकि धीरज रखने और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा शर्मिंदे नहीं होना पे। जब हम आशा रखते हैं, क्या रखते बोलो? इसी तरह एक जगह के इब्रानियों 10 की 35 और 36 में लिखा अपना हयाब ना छोड़ो, अपना हयाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल क्या है? बड़ा है। और धीरज को अपना काम पूरा करने दो। अपना हयाब ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल क्या है? बड़ा है। इसलिए कहा धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित। धर्मी जन किससे जीवित रहता है? विश्वास से रहता है ना। तो बस विश्वास करना है और धीरज धरना है। अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपना तरीका, हर बात के लिए किसके पास जाना है? जो सीखते ना उसे प्रैक्टिकल करो, ये सबसे मेन चीज है। क्योंकि जो आप सीख रहे हो उसे क्या करना? हमने प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल, ये मेन चीज है। बोलो क्या है? कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? तो आज से क्या करना फिर? किसके ऊपर विश्वास और धीरज बनाकर रखना है? क्योंकि धीरज का क्या बोलो प्रतिफल? कहता अपना हयाब ना छोड़ो। पंजाबी जी कहते अपनी दलेरी ना कितने गवाली, कि ना गवाली बोलो, दलेरी ना गवाली। कई बार क्या होता है ना, कई लोग जैसे मान लो नए नए आए तो शास में बने, जब नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ काम, नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएंगे? अपना भरोसा, उनका विश्वास, वो ढीले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसलिए कहता निराश होके तुम साहस ना छोड़ दो, उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। निराश होके तुम साहस, जैसे मान लो उसकी प्रॉब्लम है, हा? क्या नाम है इसका, परवीन की, क्या बोलो? अगर ये रोज सोच उस चीज के लिए किसके पास जाए? धीरज रखें, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना काम पूरा कर दिया है। पर अगर ये मन दो चित्ता करेगी, क्या बनाएगी अपने मन को? दो चित्ता करेगी। जहां किस यहां पे कोई भी जो बैठा है, अपने मन को क्या करेगी? दुचित्ता, तो फिर नहीं होगा। अगर ये सही चीज रख कर रही है, आशा कर रही है, अच्छा विश्वास कर रही है, अपनी क्लेश में भी, अपने दुख में भी घमंड कर रही है, क्या कर रही बोलो? जैसे मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ गई, मुझे एक बार जब मैं विश्वासी था तो मुझे खूनी बवासीर हो गई, जब मैं टॉयलेट गया तो ऐसे ब्लड आ रहा है, ऐसे ब्लड के क्या आ रहे हैं, ऐसे नीचे से ब्लड निकल रहा है पूरा। तो मैंने देखा तो मैं एकदम से डर गया। क्या डर गया बोलो? मैंने कहा ओ तेरी ये तो खूनी बवासीर हो गई। मैंने जब मैं डर गया तो एकदम से मैंने ऐसे मन बनाया कि नहीं, कौन मेरे पापों के लिए मारा गया है? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। दिलेरी में रहना, दिलेरी से टुल्लू 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 नहीं कुछ करना, टुल्लो जी बोले ले लो आए बचा लो। स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग। जब मुझे ब्लड आया तो मैं एक समय डर गया, पर मुझे उसी समय वचन याद आया, नहीं कौन है, कौन है बोलो, कौन मेरे लिए मारा गया है? मैंने आपको सुना, आपने मेरी गवाही की, मैंने कहा
मैंने उसी समय कहा, मैंने कहा तू हालात नू, मैं क्या तू मेरे डराना है, मैं ब्लड नू क्या हो राजा कि आजा बोलो और आजा। मैं ऐसे कह के उठा तो जब मैं कल गया फिर तो फिर ब्लड आ रहा है, फिर मैं कह रहा हूं और आजा क्या आजा। मैं तीसरा दिन आएगा फिर आ रहा, मैं कह और आजा। जब चौथा दिन आया तो कोई ब्लड नहीं, कोई कुछ नहीं। कहता धीरज को अपना काम करना दो, तुम क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। धीरज को क्या करने दो, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध बनो। धीरज को अपना काम, मैंने कहा पूरा करने दो, उसे करने दो ना, अपनी बुद्धि मत लगाओ। जब हम पेड़ लगाते हैं, आज लगाया तो कहते हैं कल आम तोड़ लो जी, सेब तोड़ लो जी, हाँ ऐसे करते हैं। आज पेड़ लगाया कल ही क्या करते हैं। किसान भी लिखा धीरज धरता है, धरता है कि नहीं धरता। जब वो 20 बोता है तो वो भी धीरज धरता है, इसलिए कहा धीरज का अपना हयाब ना छोड़ो, क्योंकि धीरज का प्रतिफल बड़ा है। अपनी बुद्धि ना लगाओ, अपना सोच ना लगा। असि एक भजन गाने ने सी पंजाबी दा, इदा सौंग है रब नू आउंदे सब कम करने उसे तो करवाइए जी, अपनिया सोचा ते स्कीमा कदे ना लाइए, क्योंकि तुम्हारे लिए कौन सोचता है। लिखा जो तुम्हारे लिए सोचे सोचता वो हानि की सोचता है, जो तुम्हारे लिए लिखा जो परमेश्वर सोचे सोचता वो हानि की सोचता है। हाँ क्या कहा यिर्मयाह ने, यहोवा की ये वाणी है जो कल्पनाएं जो परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचे सोचता है वो हानि की नहीं है, वो कुशल की, शांति की, आनंद की है। क्या बोलो, कुशल की, शांति की, आनंद की वो सोचे सोचता है। आपकी आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो जगह है, प्रधानमंत्री साडे मोदी तो भी ऊपर है, हां अंबानी अडानी तो भी ऊपर हो, तुसी उन्हां लई नहीं परमेश्वर सोचता, तुहाडे लई सोचता है। कहते जो तुम्हारे विषय सोचे सोचता है, तुम सोचो परमेश्वर की नजर में कितने उत्तम हो। उसे नहीं पता तुम दुख में हो, तुम प्रॉब्लम में, तुझे ये चाहिए वो, किसको नहीं पता। लिखा सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी हुई नहीं, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी हुई नहीं है कि उसे पता नहीं है, वो सब जानता। तुम कितने उत्तम हो जो तुम्हारे लिए सोचे, कौन सोच रहा है, कौन सोचे सोच रहा है, किसे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर अपना मन दुचित्ता मत करना, स्थिर रहना, क्या रहना बोलो, और धीरज धरना। कहता तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये लड़की ना, ये मुझे इसके नाम का नहीं पता, इसके बच्चा नहीं है। तेरी शादी बच्चे कितना टाइम हो गया हुई ना, हाँ हाँ कितने, 2-4 साल हो गए। तो 4 साल हो गए हैं, क्या हो गए हैं, 4 साल हो गए, 4 साल। तो अभी ये विश्वास में बनी, प्रभु में आई हुई कितना टाइम हो गया, प्रभु में आई हुई तुझे कितना टाइम हो गया, 2 साल पापा जी, 2 साल हो गए ना। तो अभी प्रभु में भी जो 2 साल से विश्वास कर रही, पर अभी तक बच्चा नहीं। पर पिछले दिनों में इसका मन ना आगे पीछे हो गया, क्या हो गया, इसका मन आगे पीछे हो गया। तो ऐसे पता नहीं परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऐसे, इसे मैंने पूछा कि तेरा मन यहां पे नहीं है, तू आ तो रही यहां पे, पर तेरा ध्यान और है। जैसे सब मिनिस्ट्रियां, सब दास किसके, किसके बोलो, किसके हैं बोलो, सब मिनिस्ट्री सब दास तो खुदा के ही, पर ऐसे इसका मन ना इधर उधर हो गया। तो मैंने ऐसे इसे पूछा, कहती हाँ ये बड़ा जरूरी है, ये मैं आत्मिक चीज आपको बता रहा हूं।
बोलो क्या है? क्यों? ये बहुत बड़ी चीज है, मैं आत्मिक चीज आपको बता रहा हूं। तो मैंने इसे समझाया, अब देखो, अगर ये 2 साल से शास्त्रकारी से बच्चा चाहिए तो किसको बताए? मैंने जो वचन दिया था वो बोलती अपनी प्रार्थना में कि बच्चे लड़के ये हवा के क्या है, बच्चे किसकी मिरास है? हाँ, परमेश्वर के वचन का धर्मी का वंश क्या होगा? अब तुम्हारे वंश नहीं है तो वचन को क्लेम करो, परमेश्वर तेरे वचन का धर्मी का वंश क्या होगा? बच्चे यहोवा के क्या है? मिरास है। कहता विश्वास से मांगो और संदेह ना करो। तो धन्यवाद करो रोज, क्योंकि संदेह करने वाला लिखा समुद्र की लहर के समान है। ऐसा मनुष्य कहता ये ना समझे मुझसे कुछ पाएगा, वो दुचित्ता और सब बातों में क्या है। इसलिए जो लोग ऐसे करते हैं, यही चीज तो इजरायलियों ने की, 40 दिन का सफर और 40 साल धीरज रखो। बोलो क्या है? कहता धीरज को अपना काम पूरा करने दो। बोलो क्या है? आज मैं जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो मैं प्रार्थना ही कर रहा हूं, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, जब मैं विश्वास कर रहा हूं, अगर मुझे रिजल्ट नहीं नजर आ रहा अभी, पर एक दिन आएगा परमेश्वर इतना बड़ा रिजल्ट, इतनी बड़ी चीजों को प्रकट कर देगा ना। मेरी क्या, हर एक जो उस पर विश्वास करता, भरोसा रखता है, उसके साथ प्रेम से नम्रता से चलता, उसके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, सबके साथ ऐसा हो जाएगा। आमीन। मैंने कहा सबके साथ ऐसा हो जाएगा। तो तैयार हो आज से फिर? यही आत्मिक चीजें हैं, इसी में आपने बढ़ना है, इसी में आपका आपके जीवन की सब आशीषें छिपी हुई। लिखा एक लौता जो उसकी गोद में था उसने उसे प्रकट कर दिया। आज अपने विश्वास से, भरोसे से उन चीजों को अपने जीवन से अपने प्रकट करना है। तो ये सारी आत्मिक चीजें, इसी लिखा जो शारीरिक इंसान है वो नहीं समझता आत्मा की मर्जी क्या है, उसे नहीं पता। बोलो आत्मा की मर्जी क्या, उसे नहीं पता शारीरिक इंसान। तो इसलिए आपके लिए कौन सोचे सोच रहा है? इसलिए रोज रोज किसके पास जाओ? हाँ, बस ये विश्वास रखो। कहता जब विश्वास से मांगो तो संदेह नहीं करना, ये विश्वास करना मिल चुका। रोज धन्यवाद, यस यस खुदा ये हो चुका, यस मेरी बीमारी जा चुकी, मेरा हालात खत्म हो चुका, मेरे बच्चा ये प्रॉब्लम, काम ये वो सब सब। धन्यवाद में बड़ी ताकत है कि नहीं है? है कि नहीं है धन्यवाद में ताकत? तो आज से फिर बढ़ जाओ इसमें। मैंने कहा आज से बढ़ जाओ इसमें, देखना तुम्हारी सोच से भी वो कई गुना ज्यादा कर देगा। आमेन, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया 3 बार। तो ये हो चुका है, मैंने कहा ये हो चुका। आज तैयार हो आज से फिर इस रीति से उसके साथ चलने के लिए? हाँ, करो रो चिंता सोच अपनी बुद्धि ध्यान कि शक्ति ज्यादा शक्ति वाला लभना है, ज्यादा शक्ति वाला लभना है, क्यों? उस शक्ति वाले पर विश्वास करना है। तुम्हारा विश्वास काम करता है, जो तुम्हारा विश्वास अच्छा हो जाएगा ना, तुम बस प्रार्थना करके आना, मांगना परमेश्वर ये मेरी चीज है, बस भरोसा करना परमेश्वर के आगे, प्रार्थना करना परमेश्वर मेरी ये चीज है, ऐसे प्रार्थना करना तेरे दास के मुंह से मेरे लिए ऐसा वचन आए जहां प्रभु मेरा आस मेरे जीवन में ऐसी बात हो। तो मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी आज परमेश्वर ने आपको सिखाया है, जिस सच्ची इसकी परमेश्वर आपको जरूरत थी। बोलो क्या थी? क्योंकि मैं जब भी यहां पे आता हूं, मैं जब भी मैं यहां पे आता हूं तो मैं पुरपुट से आने से पहले मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ये तो बाइबल बहुत बड़ी है। बोलो क्या है? कहीं से भी निकालो, कुछ भी पढ़ो तो सब सारा वचन किसका है? पर हमें क्या चाहिए, हमारी जरूरत क्या है, किसको पता है?
इसलिए परमेश्वर हमारी जरूरत के अनुसार मंडली के हिसाब से वचन देता है। कैसे बोलो? मंडली के हिसाब से वो क्या देता है? अपना वचन देता है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर इन्हें आज मुझे बता, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें क्या जरूरत है, समझ आ रही? तो वही परमेश्वर दे देता है। क्या दे देता है? वही चीजें देता है। और मेरा शांस है कि जो भी खुदा ने दिया है, अगर आप इसमें बन गए, तुम बड़े रिजल्ट को पाने वाले। क्या पाने वाले हो? ऐसे बड़े रिजल्ट को, बड़े रिजल्ट, समझ आई? तो आज से तैयार हो जाओ और अपनी आंखों को बंद करेंगे आज के वचन के लिए, इन सब बातों के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें, थैंक्स करें उस पवित्र आत्मा का कि यस परमेश्वर, जो मैंने सुना मैं उसमें बनी रहूंगी, मैं बना रहूंगा। खुदा तेरा वचन कहता अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, संपूर्ण मन तो यहोवा ते भरोसा रख। यस खुदा वन, आज से मैं भरोसा रखूंगी। यस परमेश्वर, आज से मैं संपूर्ण मन से भरोसा रखूंगी, मैं भरोसा रखूंगा। यस खुदावन, धन्यवाद करो दिल से आज के वचन के लिए, सब बातों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो, धन्यवाद करो कि यस पिता, जो मैंने सीखा है, जो मैंने आज तूने मुझे सिखाया अपने दास के मुंह से, मैं उन वचनों पर चलूंगी, मैं अपनी समझ अपना तरीका नहीं, मैं शरीर की बातों पर मन नहीं लगाऊंगी, अपने बुद्ध अपना तरीका नहीं प्रभु, मैं आज से वो करूंगी खुदावंद, जिससे तू मेरे जीवन में बड़े कामों को प्रकट करता है। आज से जैसे तेरा वचन कहता है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। वचन कहता है धीरज को अपना काम पूरा करने दो। आज से बोलो मैं परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं, अपनी तरीका, अपनी सोच नहीं, खुदावन तेरी मर्जी को, तेरी इच्छा को पूरा करूं। यस थैंक यू जीसस करते अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए कि यस परमेश्वर, आज इन वचनों के द्वारा तू मुझे छू चुका है, मेरे जीवन को छू चुका, मेरे मन के परस्पर विचारों को बदल चुका है, मेरे मन के नेगेटिव विचारों को बदल चुका है, मेरी अविश्वास के अंदर की आत्मा का खत्मा कर चुका। आज खुदावंद अपने जीवित वचनों से मेरे अंदर जो अविश्वास की आत्मा बैठी है, खुदा आज तेरे सामर्थ्य से इन वचनों से मेरी अविश्वास की आत्मा का खात्मा हो चुका है। यस खुदावंद को बोलो, बोलो 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 री सखाना उम्बा बाबा बाबा री बाला बाबा बा। यस यस यस, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, मैं उसके खुदावन के रूह को छूते हुए और आपको आजाद होते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा उसके रूह को मैं आपको छूते हुए अलग अलग बीमारियों से फ्री होते हुए आज देख रहा हूं। थैंक यू जीसस करें और धन्यवाद करें। मैंने कहा थैंक यू जीसस करें और धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस करें और धन्यवाद करें। अपने मन को स्थिर करें, क्योंकि वचन कहता है दुचित्ते मन वाले, दो मन वाले मुझसे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आज अपने मन को एक करें, अपने मन को स्थिर करें, एक करें, क्योंकि वचन कहता है दो मन वाले मुझसे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जो दो मन वाले वो मुझसे कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। जिन जिन लोगों का मन उन्हें दोष लगा रहा था, आज अपने मन को शांत कराओ यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी राइट नाउ, इसी समय जिन लोगों का मन उन्हें दोष लगा रहा था, उनका मन अस्थिर था, अपने मन को शांत कराएं। अपने बोलो अपने मन को कहो चुप हो जा, चुप हो जा। मेरी आशा मेरे खुदा से, मेरी आशा मेरे खुदा से, क्योंकि वचन कहता आशा से लज्जा नहीं होती। बोलो अपने मन को मेरी आशा खुदा से, और वो मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो मेरे मुंह को काला नहीं होने देगा। जिस पर मैंने शांस किया, भरोसा किया है,
वचन कहता हूं विश्वास से मांगो और संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। जो आपने मांगा, जो आपने आज विश्वास किया, बोलो यस खुदावंद मेरे लिए हो चुका है, मेरे लिए हो चुका है, मेरे लिए हो चुका है। यस खुदावंद मेरे बंद रास्ते खुल चुके, मेरे बंद रास्ते खुल चुके, मेरे मन के जितने परस्पर विचार है खुदा वो आज से बदल चुके खुदावंद। आज से मेरे परस्पर मन के नकटी विचारों को खुदा तो अपने सामर से अपने वचनों से बदल चुका है, मेरे मन को स्थिर कर चुका। यस बोलो खुदावंद से अपनी अपनी रोग के लिए, अपनी अपनी बीमारी के लिए, अपनी अपनी हालात के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम से, बोलो उस जो भी समस्या जो भी प्रॉब्लम है, बोलो यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा उखड़, क्लेश की आत्मा, नशे की आत्मा, दुखों की आत्मा उखड़, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से मेरी सोचों से, बोलो उखड़ यीशु नाम से, उखड़ यीशु नाम से उखड़। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, बोलो 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 कि तेरा कोई अधिकार नहीं है। अपने अधिकार को यूज करो यीशु मसीह के नाम से, अपनी हर प्रॉब्लम को, जो भी पथरी रसौली गिल्टी, जो पेट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में, फेफड़ों में, सिर में, गले में, दांतों में, मुंह में, घुटनों में, हड्डियों में, जो भी आज आपकी प्रॉब्लम है, राइट नाउ मैं आज्ञा करता हूं प्रभु तेरी सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के नाम से, इनके शरीरों से, इनके शरीरों से, इनके परिवारों से, इनकी सोच से उखड़ जाए हर अंधकार की आत्मा, हर अंधकार की आत्मा, बीमारी की आत्मा, डले की, सांपों की, जादू की, टूने की, डले की, व्यभिचार की आत्मा, यीशु नाम से मैं आज्ञा करता हूं। यस गंदी आत्मा जो गुप्त रूप में इनके शरीरों पर तो बैठी है, आज खुदावंद की सामर्थ्य से, आज सामर्थ्य नाम से मैं आज्ञा करता हूं, इनके शरीरों से, इनकी सोचों से, घराने से, परवानों से उखड़ यीशु नाम से, गंदी आत्मा उखड़ यीशु नाम से, उखड़ उखाड़ो यीशु मसीह के नाम से। जो भी आत्मा आपको दबाती है, जो भी शैतानी आत्मा आपके जीवन पर अटैक करती है, आपके बिजनेस पर, आपके कैरियर पर, आपके हस्बैंड पर, आपके पति पर, आपके परिवार पर कराती है, आपके घर में कलेश कराती है, झगड़ा कराती है, उस कलेश की आत्मा को, झगड़े की आत्मा को डांटो यीशु मसीह के नाम से, डांटो, डांटो यीशु मसीह के नाम से, डांटो यीशु मसीह के नाम से। बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में, बोलो तेरा कोई अधिकार, तेरा कोई अधिकार नहीं है। बोलो यीशु नाम से उखड़ मेरे शरीर से, अधिकार के साथ, हयात के साथ बोलो, हयात के साथ बोलो, डरो नहीं। बोलो अपने परिवार से, अपने बच्चे को, उस नशे की आत्मा को बोलो, बोलो बोलो उस व्यभिचार की आत्मा को, ढले की, सांपों की, बोलो यीशु नाम से बीमारी की आत्मा उखड़, तेरा कोई अधिकार नहीं, उखड़ तेरा कोई अधिकार नहीं है। बोलो 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 तेरा कोई अधिकार नहीं है। यस परमेश्वर तेरी में, तेरी डुनामस पावर को आज इनके शरीरों पर मैं रिलीज करता हूं, मैं तेरी पावर को इनके शरीरों पर रिलीज करता हूं, इनके कैरियर पर, बच्चों पर, इनके फाइनेंस पर, इनके बिजनेस पर, मैं तेरी डुनामस पावर को रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं खुदावंद। आज सारी अंधकार की सोचें, शैतान के जितने प्लान, उसकी योजनाएं खुदा तेरी डुनामस पावर से मैं कैंसिल करता हूं, कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं, आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाएं, हर उस गंदी आत्मा के प्रभाव से, उस नकली विचारों से, गंदे ख्यालों से आजाद हो जाएं,
आजाद हो जाए, यीशु मसीह की सामर्थ से आजाद हो जाए, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से, मैंने कहा छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से, छूट जाओ, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, आपके बंद रास्ते खुल जाए, आज से आपके बंद रास्ते खुले, नशे की आत्माओं का खात्मा हो, क्लेश की आत्मा जाए, झगड़े की आत्मा जाए, खुदावंद आपको हर तरह से ब्लेस करे, हर प्रकार से आपको ब्लेस करे, चाहे वो ब्लेसिंग बेबी की, घर की, काम की, बिजनेस की, विजय की, किसी भी प्रकार की ब्लेसिंग है, खुदावंद आज अपनी सामर्थ से आपको ब्लेस करे, आज खुदावंद अपनी सामर्थ से आपको ब्लेस करे, और आप ब्लेस हो जाएं, आप ब्लेस हो जाएं, शैतान के अधिकार से छूट जाएं, शैतान के अधिकार से छूट जाएं, इन द नेम ऑफ जीसस, द माइटी ऑफ नेम जीसस, छूट जाओ इस गंदी आत्मा के प्रभाव से, छूट जाओ, मैंने कहा इस गंदी आत्मा के उस प्रभाव से, यस खुदावंद में फिर से तेरी पावर को उन शैतान की आत्माओं के ऊपर लीज करता हूं, रिलीज करता हूं खुदावंद तेरी पावर को, रिलीज करता हूं, यस खुदा ये छूट जाए, छूट जाए, इसी क्षण खुदा तेरे स्वर्गीय दूत उन आत्माओं को पकड़े, मैं मांगता हूं, यस पिता तेरे स्वर्गीय दूतों को मांगता हूं, तेरे एंजल तेरे स्वर्गीय दूत उन अंधकार की दुष्ट आत्मा को पकड़े, पकड़े और आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु नाम से आजाद हो, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, मैंने कहा आजाद हो जाओ, छूट जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, यीशु मसीह के नाम, आप ऊंची पदवियों पर जाओ, आपके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ी पदवियों को हासिल करें, यीशु नाम से आपके घराने ब्लेस हो जाएं, आपके सारे बंद रस्ते खुल जाएं, सारी शैतानी आत्मा आपके परिवारों से चली जाए, हर जादू की टूने की आत्मा चली जाए, शैतानी मेज से जो खाया और खिलाया गया, आज खुदावंद तेरी सामर्थ से इनके शरीरों से उल्टियों के राही बाहर आए यीशु मसीह के नाम, हर शैतानी मेज से खाया और खिलाया गया इनके शरीरों से बाहर आए खुदा, तेरी पावर से बाहर आए खुदा, तेरी पावर से बाहर आए खुदा, जे आजाद हो जाए, 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 इन्हें खड़ा करो, इन्हें सीधा करो, सीधा करो, सब अपनी आंखें बंद करो इनकी, और अपने हाथ को बढ़ाओ, इन्हें खड़ा करो, सीधा करो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बैठा दो बैठा दो बैठा दो, चलो शैतान, चलो खुड़े इसकी जिंदगी से, इसके शरीर से जो तूने इसके पेट को, इसके हाथ को पकड़ा है तूने, उखड़ इसकी जिंदगी से, उखड़ गंदी आत्मा, शट शट, इधर देख शैतान, चल क्यों पकड़ा तूने इसे, हाँ क्यों पकड़ा तूने इसे, बोल बोल क्यों पकड़ा तूने इसे, बोल क्यों पकड़ा शैतान तूने इसे, बोल क्यों पकड़ा तूने इसे, क्या नाम क्या तेरा, हाँ मेरा नाम खेत्रपाल है, खेत्रपाल है, क्यों फड़िया इन्हें तू, हाँ दारू पीती गई है, हाँ दारू पीती गई है, इन्हें दारू पीती है इसलिए फड़िया तू इन्हें, हाँ
कब से फड़या तू नींद? पांच छह महीने फड़े हैं। अच्छा, आज तुझे पता है कि यीशु नाम से तुझे जाना पड़ेगा? ओ खत्रपाल, नहीं जाना मैं, नहीं। हाँ, नहीं जाना मैं। क्यों नहीं जाना? नहीं जाना। यीशु नाम से तुझे डर नहीं लगता? नहीं। हाँ बोल। ओ शैतान खत्रपाल, तुझे डर नहीं लगता यीशु नाम से? हाँ बोल, डर नहीं लगता? लगता है ना? चल फिर, कल्ला खेत्रपाल के कोई और भी है? नहीं कल्ला ही है। चल फिर इधर देख, आंखें खोल मेरी और देख। चल छोड़ दे उसके, इसके पेट को, इसके हार्ट की नसें तूने ब्लॉक की है? हाँ चल फिर, यीशु नाम से इधर आंखें खोल मेरी और चल, यीशु के नाम से उखड़। शट शट, चल गंदी आत्मा उखड़, शट। जितना भी तेरा प्रभाव इसके अंगों पे, इसके शरीर पर, जो तुमने इसके पेट को, इसकी हार्ट को, इसके फेफड़ों को पढ़, शट शट, चलो खड़ बैठ गंदी आत्मा पूरी तरह शट, चल चल पूरी तरह से सिर से लेके पांव तक उखड़, चला सिर से लेके पांव तक उखड़, चल आउट इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री शट पूरी तरह से। तेरे प्रभाव को मैं कैंसल करता हूं, तोड़ता हूं शैतान तेरे प्रभाव को मैं, इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन। सीधा हो जाओ, सीधे हो जाओ। देखो शैतान का तुहाडे उत्ते इन्ना प्रभाव नहीं है जिन्ना तुसीं सोच रहे, बड़ा मामूली जा, हल्का जा, बड़ा ही पतड़ियां शरीर दियां सोचां दे कारण है, कुछ नहीं है। कोई तुहानू कोई एडा वड्डा नहीं कुछ हैगा, पर तुहानू और तुहाडे परिवार नू परमेश्वर दे प्रेम च बंदी लोड़ है। समझ आ रही मेरी गल दी? तैनू समझ लेना है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर तुसी जो आज सुनिया ना, अगर तुम इन्हें फड़ लोगे तो फ्री हो जाओगे। बोलो क्या हो जाओगे? जो तुम सुनिया ना अज, अगर तुम इन्हें फड़ लिया अच्छे तरीके नाल, अपने मन नू अच्छा कर लिया तो ठीक हो जाएगा। आमीन। किन्ने विश्वास कर दिया कि जो मैं सीखा है, जो मैं सीखा है हो चुका है? हाँ, किन्ने विश्वास कर दे जो मैं सीखा है हो चुका है? हाँ, मैं कह किन्ने विश्वास कर दे जो मैं सीखा है हो चुका है? फिर तो अपनी अखां नूं बंद करो, अंगीकार करो कि जो मैं रिसीव किया है अज दी प्रार्थना दे द्वारा परमेश्वर, यस खुदा मेरी जिंदगी च, मेरे घर घराने च, मेरे शरीर च, मेरे परिवार च, मेरे कैरियर च, मेरे कारोबार च, मेरे फाइनेंस च, यस खुदावन, यस परमेश्वर तेरी भलाई प्रकट हो चुकी है, वो रिजल्ट आ चुका है, मैं उस रिजल्ट को पा चुकी हूं, यस खुदा उस रिजल्ट को मैं पा चुकी हूं, मेरे मन को तो स्थिर कर चुका है, क्योंकि तेरा वचन कहता दुचित्ते मन वाले मुझसे कुछ नहीं पा सकते। इसलिए खुदावन आस मेरे मन को तू अच्छा कर चुका, स्थिर कर चुका है। जो कुछ मैंने सुना और इस प्रार्थना के द्वारा जो रिसीव किया है, तेरा वचन कहता विश्वास से मांगो या रिसीव करो, संदेह ना करो, जो कुछ सोचते और मांगते हो विश्वास करो मेरे लिए हो गया है। यस खुदावन ये मेरे लिए हो चुका है। बोलो ये हो चुका है, ये हो चुका है, यस कुदम ये हो चुका है, मैं गवाही से आ चुकी हूं, मैं आ चुका हूं तेरे जीवित नाम से, ऐसा हो चुका है। आमीन हालेलुया।